तो आइए प्यारे भक्तों, आज हम 6 और 7 नंबर के राधा रानी का लहंगा बनाना सीख लेते हैं। तो ये लहंगा मैंने किस तरह से बनाया है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा सोलर सा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो आइए सीख लेते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ अपनी राधा रानी का दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा ही दिखा देती हूँ कि इसके लेंथ और विड्थ क्या है। तो देखिए, जिसकी लंबाई है 8.5 और चौड़ाई है 5, तो इसका मैं जो ना दुपट्टा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा बना के लिए ये कपड़ा अलग से निकाल लिया है। अब देख लेते हैं राधा रानी का लहंगा। तो राधा रानी के लहंगे की चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है। तो ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड हो गया है और ये 8.5, 8 × 2 = 16 यानी कि 16 × 2 = 32 यानी कि यहाँ पर देखिए 34 इंच हो गया है लहंगे की जो लंबाई है। नीचे से फोल्ड करूँगी, कॉर्नर से फोल्ड करूँगी। ये यहाँ पर चोली का कपड़ा है जिसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई जो है ना 2.5 इंच है। तो आइए यहाँ पर मेजरमेंट मैं आप सभी को बता देती हूँ। आइए मैं बता देती हूँ कान्हा जी की धोती का भी मेजरमेंट। तो वीडियो ना थोड़ी बड़ी होने के कारण ये मैं यहाँ पर उनका पटका ले लिया है जो कि 7 इंच का है। 7 × 14 यानी कि 14 इंच की उसकी लंबाई है। ये यहाँ पर मैंने एक चोली का कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 1.5 × 2 इंच है। ये देखिए, और यहाँ पर इसकी बनाने वाली हूँ कमर कांचली। ये धोती का कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई 4.5 इंच है और देखिए यहाँ पर जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई जो है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है क्योंकि डिफरेंस तरीके से मैं धोती बनाने वाली हूँ। ये कमर काचली का कपड़ा ले लिया है जिसकी 7.5 इंच की लंबाई है और चौड़ाई 4 इंच की है। तो आइए देर ना करके शुरू कर लेते हैं। तो ये कपड़ा ले लिया है मैंने, ये भी काम में ही आने वाला है यानी कि धोती में जो आगे की साइड में लगता है ना कपड़ा, वो वाला। तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ और किस तरह से सिलाई करूँगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी कुछ उठा लिया है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं टिशू पेपर भी लगा दूँ, लेकिन टिशू रिबन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये हैवी ड्रेस में ही अच्छा लगता है। ये ड्रेस जो ना समर ड्रेस बना रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लहंगा बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर लेस जो है ना अटैच कर दी है। कॉटन वाली लेस है, बारीक वाली। तो यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। तो यहाँ पर डालनी है प्लेटें। तो प्लेटें हमें इस हिसाब से डालनी है कि हमें 4 इंच कमर रख लेनी है। 4, 4.5 से ज़्यादा कमर हमें नहीं रखनी है। तो मैं तो यहाँ पर 4 इंच की कमर रखूँगी। ये देखिए, तो इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है बहुत ही नज़दीक में। तो यहाँ पर ये मैंने प्लेटें डाल ली हैं। तो कमर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये चेकिए, 4 इंच की कमर है। तो ये 7 को और 6 इंच को बहुत ही आसानी से आ जाएगा राधा रानी को। देखिए प्यारा सा लहंगा बन चुका है। तो ये मैं यहाँ पर नेफा अटैच करने वाली हूँ। ये इस तरह से 4 इंच की एक पट्टी ली है और इसे 2 बार यानी कि 1 बार फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इस पर जो है ना सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे डोरी का यूज करना है। तो अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। सो गाइस देखिए, मेहनत बहुत करनी होती है। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ में मैं लगी हुई हूँ कि हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मुझे लगा लेनी है डोरी। तो नेफी में आप डोरी बाद में भी डाल सकते हो। तो मैं पहले ही डाल लेती हूँ क्योंकि बाद में डालने में दिक्कत होगी। तो मैं इस तरह से डोरी यहाँ पर
इसे फोल्ड करते हुए नेफे को इस तरह से कि डोरी पर मशीन नहीं चलनी चाहिए, और यहाँ पर लगा लूँगी मैं इसमें लटकन। तो श्रीमती राधा रानी की जो है ना ड्रेस बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो लहंगा बन चुका है, रेडी हो गया है, तो यहाँ पर लगा लिया लटकन। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाती है और शो बढ़ जाती है, तो इस वजह से बहुत ही अच्छा लहंगा लगता है माता रानी का। ये देखिए लहंगा बनकर हो गया तैयार, और अब हम बना लेते हैं चोली। तो ये दो पट्टी मैंने कट की हुई है, तो इन्हें मैं फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए 5 इंच 5 और 2.5 इंच की, तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये हो गई है यहाँ पर फोल्ड, और अब मैं इन्हें पलट लेती हूँ। तो किसी भी चीज़ की सहायता से आप पलट सकते हैं, तो मेरे पास तो पेंसिल थी, मैंने इसी की सहायता से इन्हें पलट लिया है। ये देखिए इस तरह से सीधी, अच्छे से तरीके से सीधी कर लेंगे। और फिर क्या करना है कि ये मुझे लैस यहाँ पर यूज़ करनी है कंधों पर, यानी कि ये सिल्क का भी काम करेंगे बाजू का, और इससे जो ना ये देखिए मैंने अटैच कर ली है दोनों पर ही, तो कितनी सुंदर लग रही है। तो ये फिल का भी काम कर देती है। तो 1.5 इंच की मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, 1 की भी लगा सकते हो 1.5 की भी लगा सकते हो, क्योंकि 6 और 7 नंबर राधा रानी का जो है लहंगा बन रहा है। तो आप ये इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा ली सिलाई, और डोरी जो है ना नीचे अटैच कर दी है। तो इस तरह से हम उनको पहनाएंगे, और पीछे जो है ना डोरी इस तरह से करके बांध दी जाएगी। ये इस तरह से करके डोरी हम यहाँ पर बांध देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्यारी सी चोली बनकर हो गई तैयार। तो ये देखिए लहंगा बन चुका है, और दुपट्टे पर भी मैंने जो है ना लेस अटैच कर ली है, क्योंकि ये ना थोड़ा हल्का ग्रीन ग्रीन सा लग रहा था, सी ग्रीन सा। तो बहुत ही अच्छा लहंगा बना है, बहुत ही अच्छा सेम कलर का मैंने इनका रुपट्टा बनाया है। ये देखिए कैसा लगा, आप सभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको हमारी श्रीमती राधा रानी का जो 6 और 7 नंबर की है उनका ये कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको कैसा मिला लगा। तो फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में। तो नई वीडियो में हम सीखेंगे कान्हा जी का धोती बनाना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।